नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाओं से रिलेटेड। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, जहाँ कहीं भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये हमारा है टेलीग्राम का चैनल जिसे आप निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको हिंदी के वीडियोस, नोट्स और डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना होगा टेलीग्राम ऐप में जाके ब्लैक बोर्ड हिंदी सर्च करनी होगी, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कुटज किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार और नागार्जुन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कुटज की रचना की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, पूस की रात किस रचनाकार की रचना है? तो दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, जो भी आपको प्रश्न नहीं आते हैं उन्हें नोट करते चलिए, और आप देखेंगे कि जब आप किसी परीक्षा में बैठेंगे और वहाँ पर प्रश्न आएंगे तो आप इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो बस आपको करना है नोट करते चलिए, ठीक है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और मन्नू भंडारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र ने पूस की रात की रचना की है, ठीक है? तीसरा प्रश्न लेते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद, ठीक है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अपने चौथे प्रश्न की ओर। संस्कृति के चार अध्याय के रचनाकार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्रा, सुदामा पांडे, धूमिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर ने की है, संस्कृति के चार अध्याय के रचनाकार हैं, ठीक है? पाँचवा प्रश्न लेते हैं हम अपना, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है भीष्म साहनी, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद, शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, रामचंद शुक्ल ने 11 वर्ष का समय की रचना की है, ठीक है? छठा प्रश्न लेते हैं, मगहर स्थान का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कबीरदास। यानी मगहर से संबंधित कौन है? तो वो हैं दोस्तों कबीरदास। सातवां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, जगत विनोद किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ कि दो वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखे हैं इस पर। पहला है आपका रचना से रिलेटेड की, और दूसरा वीडियो जो हमने बनाया वो दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन है मतीराम, चिंतामणि, पद्माकर या भूषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, पद्माकर, ठीक है? जगत विनोद की रचना किसने की है? पद्माकर ने की। आठवां प्रश्न लेते हैं, बिहारी किस काल के कवि थे? बहुत ही महत्वपूर्ण। अब ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल और आधुनिक काल। ये सारे काल से रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाया उसमें सारी चीज़ें आपको बता रखी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ऑप्शन ए, रीतिकाल। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो दोस्तों रीतिकाल के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबू महादेव, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी, अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी। और इनका पूरा नाम है दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। और यही आनंद कादम्बनी के संपादक भी थे, ठीक है? दसवां प्रश्न लेते हैं, चिंतामणि किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि की रचना की थी। ग्यारहवां प्रश्न लेते हैं, प्रेमचंद की अंतिम कहानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? तो ऑप्शन है पूस की रात, कफन, सवा शेर गेहूँ या सौत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कफन जो है वो प्रेमचंद्र की, मुंशी प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी है। और दोस्तों अंतिम उपन्यास भी पूछ सकता है आप लोगों से, तो ये भी नोट कर लीजिए क्योंकि अक्सर पूछा गया है प्रश्न। तो ये है दोस्तों मंगलसूत्र, ठीक है? मंगलसूत्र जो है इनका अंतिम उपन्यास है, जबकि अंतिम कहानी अगर आपसे पूछा जाए तो वो दोस्तों है कफन, ठीक है?
तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न था दोस्तों, 12वां प्रश्न है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन है यशोधरा, वैदेही वनवास, भारत भारती या साकेत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वैदेही वनवास जो है दोस्तों वो हरिऔध जी की रचना है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। और बाकी यशोधरा, भारत भारती और साकेत, ये तीनों ही मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन है सेवा सदन, प्रेमा, कर्म भूमि या गोदान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेवा सदन। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों? तो वह है सेवा सदन। 14वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों हम अपना, किस कवि के दोहे को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन है बिहारी, तुलसीदास, देव या कबीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। यानी कि जो शुक्ल जी हैं उन्होंने बिहारी को ही हिंदी साहित्य का रत्न की उपाधि दी है। ठीक है, 15वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों हम अपना, अनामदास का पोथा जो कि एक उपन्यास है के रचयिता है? ऑप्शन है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनामदास का पोता की रचना की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 16वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो किस कृति के लिए उनको ये दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ऑप्शन है रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या उर्वशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उर्वशी के लिए दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17वां प्रश्न लेते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, 18वां प्रश्न लेते हैं हम अपना, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, हरिऔध जी को ही कवि सम्राट कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19वां लेते हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संत कवि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? संत कवि कहा जाता है। 20वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, चोखे चौपदे किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध या श्रीधर पाठक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हरिऔध ने किया। चौके चौपदे की रचना किसने की है? हरिऔध ने की है। 21वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, रसिक प्रिया किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑप्शन जयदेव, भूषण, केशवदास या चिंतामणि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केशवदास ने किया। ठीक है, रसिक प्रिया की रचना किसने की है? केशवदास ने किया। 22वां प्रश्न लेते हैं, कल्पतरु किसकी रचना है? तो ऑप्शन है मतिराम, चिंतामणि, पद्माकर या देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चिंतामणि ने की है। कल्पतरु की रचना किसने की है? चिंतामणि ने की। 23वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, गीत परोस किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, सोहनलाल द्विवेदी और अज्ञेय। तो इसमें और अज्ञेय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भवानी प्रसाद मिश्र ने गीत परोस की रचना की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न था। 24वां प्रश्न लेते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑप्शन धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मुक्तिबोध या केदारनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती ने ही सूरज का 7वां घोड़ा की रचना की है। ठीक है, 25वां प्रश्न लेते हैं, मधु कलश किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑप्शन धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन ने मधु कलश की रचना की है। ठीक है, 26वां प्रश्न लेते हैं, आंगन के पार, ये दोस्तों पर नहीं होगा, ये हो जाएगा आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा, सोहन लाल द्विवेदी, अज्ञे। दोस्तों ये अज्ञे ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये अज्ञे ऐसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई है। तो ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञे। ठीक है, आंगन के पार द्वार किसने लिखी है? तो दोस्तों वो लिखी है अज्ञे जी ने। 27वां प्रश्न लेते हैं, मैला आंचल किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
ऑप्शन है देव, मतीराम, रेणु या केशवदास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रेणु जी ने। अब रेणु का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो ये है इनका फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका पूरा नाम भी और वैसे भी, ठीक है। मैला आंचल की रचना किसने की है, फणीश्वर। 28वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, मृगनयनी किसकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है भारतेंदु हरीशचंद, वृंदावन लाल वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी की रचना की। 29वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, मुकुल किसकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद मिश्र या बालकृष्ण शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने मुकुल की रचना की है। 30वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अपना लोकायतन किसकी रचना है, तो ऑप्शन है दोस्तों महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत या निराला जी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लोकायतन की रचना की है। अब दोस्तों ये हमारा 31वां प्रश्न है और यही हमारा अंतिम प्रश्न है, रश्मि किसकी रचना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पिछले अपने पार्ट टू वीडियो में दिया था, पार्ट टू वीडियो जो हिंदी रचना से रिलेटेड था उसमें मैंने दिया था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर बताया था और आंसर भी क्या होगा, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों ये है हमारा आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था। तो ऑप्शन है दोस्तों ईश्वरदास, दादूदयाल, रैदास या धर्मदास। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर दीजिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो वो बाकी लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा पार्ट फोर, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाओं से रिलेटेड जो हमारा पार्ट फोर आएगा, उस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाओं से रिलेटेड पार्ट थ्री था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैकबोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने बहुत से वीडियोज़ डाल रखे हैं, 78+ वीडियो हिंदी ट्रिक और हिंदी प्ले प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारी हिंदी ट्रिक की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे जिसके ज़रिए आप प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे हम आपको डेली टू डेली अप टू डेट कंटेंट देते रहते हैं। और दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।